हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो गाइस, आज का ब्लॉग बनने वाला है हमारे खूबसूरत बालों के ऊपर। गाइस, तो आज मैं आप लोग ऐसी चीज बना के दिखाने वाली हूँ जो हमारे खूबसूरत बालों को और खूबसूरत घना और काला बनाने वाला है। तो एक बार सोचिए, अगर हमारे सिर पे अगर ये खूबसूरत बाल ना हो तो हम लोग कैसे दिखने वाले है। नहीं, सोचना भी नहीं है मुझे, तो सोचना भी नहीं है। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही खास और बेनिफिट बनने वाली है, खासकर लेडीज के लिए। अगर ऐसा बात बोलूँ तो ये गलत है, क्योंकि जो चीज मैं बना के दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, लेडीज और जेंट्स दोनों को ही जरूरत है। खास के आजकल के जमाने में, रील्स के जमाने में तो ये चाहिए ही चाहिए। लड़कों के लिए बोलू तो अगर बाल ना हो तो कोई भी लड़की आप लोगों को पसंद नहीं करने वाली है। अगर लड़कियों को बोलूं तो बाल झड़ेंगे तो बहुत ही टेंशन होगी, करीना की एडवर्टाइज देखते देखते आप लोग थक जाएंगे, फिर भी आप लोगों का बाल वापस नहीं आने वाला है। और मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ गाइस, मैंने भी बहुत ट्राई किया है, फलाना ढिमकाना तेल शैम्पू लाला के इतना इस्तेमाल किया, मेरे सिर के ऊपर इतना इस्तेमाल किया, जितना करूँगी उतना बाल झड़ते थे। ऊपर से जितने सारे आप देख रहे हैं ना, अभी ये खूबसूरत बाल, यहाँ पे कूस भी नहीं था गाइस, सारा खाली पड़ गया था। लेकिन जब से मैंने ये तेल यूज़ किया है, मेरे सारे झड़े हुए बाल चुटकी में वापस भी आ गए। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आंवले का तेल। तो चलिए गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, झटपट वीडियो को शुरू करते हैं। चले 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 चले, तो हमें चाहिए देखिए आंवला, मैंने लिया है देखिए आंवला, ढेर सारा आंवला। अब मैंने इसको कट किया है, इसको काट के इसकी गुठलियों से मैंने इसको अलग किया है। अलग करने के बाद मेरा हाथ का हालत ये हुआ है देखिए, और ऐसे ही आप लोगों का भी होने वाला है। और इसका टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। और देखिए, मैंने काट के इसको गुठलियों से अलग कर लिया है देखिए। और इसके लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, देख रहे ये कोकोनट ऑयल है, शालीमर कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। और ये हमारा सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल लीजिएगा, कोई मिलावट वाली नहीं। अगर पूछेंगे मुझसे तो प्योर सरसों का तेल हमें कहाँ पे मिलेगा, तो आप लोग पतंजलि का सरसों का ऑयल ले सकते हैं। और मैं पतंजलि का कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, ऐसे गलत फहमी मत जाइए। जहाँ तक मुझे मालूम है, हम सबके पास तो कोई खेती बाड़ी तो है नहीं सरसों का, तो इसीलिए हमें तो पतंजलि रामदेव जी को तो विश्वास करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने लिया है पतंजलि का तेल, और सब कुछ रेडी है गाइस। अब हम बनाएंगे आंवले का तेल। तो सबसे पहले हम आंवले को पीसते हैं, देखिए आंवले को इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसको पीसेंगे, इसमें पानी सानी कुछ नहीं देंगे गाइस, हम ऐसे ही पीसेंगे इसको। देखिए गाइस, अभी इस तरह का हुआ हमारा आंवला है, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, सिर्फ आंवला ही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल, नारियल का तेल जो हमने लिया था वही तेल ऐड करेंगे, और तेल डाल के इसको हम पीसेंगे। तेल डालेंगे तो थोड़ी सी ये पीसने में आसानी होगी, इसमें पानी ऐड मत कीजिएगा। तो गाइस, ये तेल मैं लोहे के कढ़ाई में बनाने वाली हूँ, क्योंकि लोहे में आयरन होता है, तो तेल में आयरन की गुण सारी आ जाती है, तो हम लोग लोहे के कढ़ाई में बनाएंगे, ये बहुत ही बेहतरीन होती है गाइस। ये सारा पेस्ट मैंने डाल दिया है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए मैंने पीसा था, देखिए सब डाल दिया इसमें, सिर्फ मैंने सरसों का तेल मिला के पीसा है, मैंने कोकोनट ऑयल सरसों का ऑयल दोनों मिला के पीस सकते थे, क्योंकि आधा लीटर पूरा सरसों का तेल था, इसलिए मैंने सरसों का तेल ही मैंने डाला है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी देखिए ये कोकोनट का तेल, दोनों को मिक्स करेंगे, और ये तेल हम धीरे 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 पकाएंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे गाइस, जितना हम इसको धीरे धीरे पकाएंगे और अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है, हमें धीरे धीरे इसको पकने देना है। इस तरह से जम गया है देखिए, अभी ठंडी का मौसम है तो देखिए कोकोनट इसे जम के सफ़ेद पड़ चुका है। इसमें पानी बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा सा भी पानी बिल्कुल नहीं गाइस, सिर्फ तेल से इसको पीसना है और फिर इसी तरह पकाना है। पूरी एक लीटर तेल है यहाँ पे देखिए, 400 ग्राम आंवला और एक लीटर तेल, और यहाँ पे देखिए गाइस किस तरह से उबल रहा है बढ़िया से।
उबल रहा है देखिए। और खुशबू क्या कहे ना गाइस, बहुत प्यारी नारियल तेल का खुशबू आ रहा है। हम बहुत कुछ घर में बना सकते हैं गाइस, बाजारों में मिलने वाली तेल से तो 100 गुना ये बहुत अच्छा होता है। तो गाइस आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा और इसी तरह तेल बना के अपने बालों में लगाइए और बालों की देखभाल कीजिए बाजारों में मिलने वाले। और ऑयल से बिल्कुल बचिए गाइस, क्योंकि आजकल मिलावट की ज़माना है, हर चीज़ में मिलावट है गाइस। के किनारों पे देखिए किस तरह से लग रहा है, इसको भी हटाएंगे। देखिए गाइस हमारे तेल अच्छी तरह से उबल चुकी है। ये कैसे होगी आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब ये थोड़ा थोड़ा काला पड़ जाएगा तो समझेगा कि हमारा तेल कंप्लीट बन चुका है। इस स्टेज में हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि आंवला अच्छी तरह से पक चुका है, तेल भी अच्छी तरह से पक चुका है, आंवले का सारा गुण तेल में समा चुका है गाइस। तो गैस ऑफ कर देंगे, अब हम तेल को निकालेंगे। बहुत गर्म है तो थोड़ा संभाल के। तो गाइस और एक ज़रूरी बात, अगर आप घर में कभी बनाएंगे तो एक रात इसको कढ़ाई में रहने दीजिएगा तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फिलहाल मैं अभी निकाल रही हूँ। तो गाइस देखिए मैंने तेल को निकालने के लिए एक मार्किन का कपड़ा लिया है, कॉटन का कपड़ा, और एक बर्तन के ऊपर मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है और नीचे में एक प्लेट भी रखा है। इस तरह से डालने से देखिए सारा तेल निकल जाएगा और इधर देख रहे कितना काला हो गया है। अब मैं इसको चिमटे की मदद से मैं इसके सारे तेल निकालूंगी। अब देखिए जितना भी ऑयल है मैं इसको चिमटे की मदद से सब निकालूंगी और निचोड़ के, चिमटे से इसको निचोड़ के इसके सारा तेल निकाल लेंगे। कितना बढ़िया तेल है गाइस, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए इसमें से सारा तेल मैंने निकाल लिया है और ये देखिए तेल, वाव बहुत ही खुशबूदार, आंवले की खुशबू इस तेल में अच्छी तरह से समा चुकी है गाइस। मैं इसके शीशे के बर्तन में इसको भरा के रखूंगी। देखिए तो ये 1/2 लीटर से ज़्यादा है तेल, तो मैं इसको बहुत दिन तक इसको इस्तेमाल कर पाऊंगी। मेरे बेटे के बालों में अच्छे से लगाऊंगी, है ना बेटा। तो गाइस आंवले का तेल बनके तैयार है, अब हम बालों में लगा सकते हैं गाइस। तो गाइस इसी तरह आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा और अच्छे से आंवले का तेल बनाइए, अपने खूबसूरत बालों को और कुछ ज़्यादा खूबसूरत बनाइए गाइस। और ये तेल इस्तेमाल करने से गाइस आप लोग यकीन मानिए ना, आपके बाल समय से पहले सफ़ेद होंगे ना समय से पहले ज़्यादा झड़ेंगे, घने काले और लंबे बनेंगे गाइस। तो वीडियो पसंद लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा और मिलेंगे दूसरे एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस और एक बात, आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने फेसबुक का लिंक अपने चैनल में शेयर किया है, वहाँ पे जाइए मुझे फेसबुक में फॉलो कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।